आज मैं इलेक्ट्रोलिसिस की छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई एम यूजिंग द नॉर्मल जो हमारी इलेक्ट्रोफिल्ट्रेशन की मशीन है वो यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ आई यूज द टाइनेस जो सबसे छोटी पतली वाली नीडल आती है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई एम डूइंग द प्रोसीजर विदाउट एनी नमिंग, विदाउट एनी लोकल, क्योंकि वी आर गोइंग टू गो वेरी डीप, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव वेरी वेरी मच ऑफ वेरी वेरी माइल्ड सा पेन होता है पेशेंट को, और इसी का मेरी प्रीवियस भी करवा चुकी है पेशेंट, तो शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल विद द प्रोसीजर। फोकस करोगे तो थोड़ा सा इधर, यू नीड अ वेरी गुड फॉर्सेप टू होल्ड द हेयर सो दैट कि उसका रूट जो है ना आपको बहुत अच्छा सा पकड़ा जाए। और एक्चुअली मेरा जो नॉर्मल फॉर्सेप था आज वो गायब हो गया। यू हैव टू एंटर द, ये आपका थोड़ा सा ट्रिकीएस्ट पार्ट होता है जो आपने रूट के अंदर एंटर होना है। आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गिव अ माइन्यूट, चलो इसका सॉरी, ठीक है, डू विद अनदर वन। आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले रूट के अंदर एंटर हो जाओ लाइक दिस, ऐसे सी, अच्छा आपको पता कैसे लगेगा कि आप रूट के अंदर है कि नहीं है? आपको रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा फील हो दैट मींस कि यू आर अवे फ्रॉम द रूट। अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं फील हो रही है, आप बहुत इजीली फोर के अंदर एंटर हो रहे हो, दैट मींस कि यू आर इन द राइट प्लान। यहाँ थोड़ी सी मुझे रेजिस्टेंस आ रही है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीपोजिशन माई नीडल, दैट्स इट। थोड़ी बहुत स्कारिंग होती है, यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट, और बट वो स्कारिंग भी जनरली विद टॉपिकल क्रीम्स आपकी बड़ी अच्छी चली जाती है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और मैं सारे जितने भी इनके हेयर्स हैं उन सबको इसी प्रोसेस से गुजारूंगी। यू नीड टू रिपीट द प्रोसीजर आफ्टर 3 to 4 weeks, या जब भी आपके बालों की ग्रोथ वापस आती है आफ्टर अ मंथ में भी, कोई बाल अगर रह जाते हैं तो जल्दी कह दें, नहीं तो आफ्टर अ मंथ और सो 2 to 3 times आपको करना पड़ सकती हैं, सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं टाइम्स, क्योंकि कोई एक आध बाल ऐसा होता है जिसकी रूट्स बर्न नहीं हुई भी होती हैं। ठीक है बेटा।